हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टैलेंट इंडिया। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि ओटोजी क्या है। फ्रेंड, आपने सुना होगा, ओटोजी का काफ़ी नाम सुना होगा कि ओटोजी का काफ़ी यूज़ होता है। और ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा, 10 जानकारियाँ जिसके माध्यम से जो ओटोजी में यूज की जाती हैं। फ्रेंड, तो सबसे पहले फ्रेंड आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड आपको कोई रुपये नहीं लगेगा, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए जो लाल कलर का दिख रहा है फ्रेंड आपको। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बेल आइकन पर हिट कर देना है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि ओटोजी क्या फ्रेंड, इसकी क्या यूज होते हैं। फ्रेंड, ओटोजी का बहुत महत्व होता है फ्रेंड। अगर आप एक मोबाइल के यूजर हैं, परमानेंटली यूजर हैं और उसको बेहतर यूज करना जानते हैं, और ये लगभग 5 से 6 हज़ार के प्राइस के ऊपर के फ़ोनों में आता है, तो आपको ले चलते हैं ओटोजी क्या होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ओटोजी क्या होता है। ओटीजी का फुल नाम होता है ऑन दी गो। इसका मतलब होता है अगर आपके पास कोई डिवाइस है जो यूटीजी सपोर्ट करता है, तो आप उसे किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ आसानी से ओटीजी केबल की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। आज का सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में किया गया है, क्योंकि आपका एंड्रॉयड फ़ोन अगर ओटीजी सपोर्ट करता है तो आपके फ्यूचर में काफ़ी काफ़ी काम आएंगे जो आपको बता रहा हूँ। तो ओटीजी का पहला यूज होता है कि यूएसबी कीबोर्ड लगा सकते हैं। कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके आप, यानी कि कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल पर बिना स्क्रीन टच किए टाइपिंग कर सकते हैं, बिना स्क्रीन को छुए भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर सकते हैं, और जिसमें कई काम आसान हो जाते हैं। और आपका जैसे आपको सिंपल यूएसबी वायर कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करना होगा इसके लिए। और दूसरा नंबर होता है यूएसबी फ़ैन का इस्तेमाल। अगर आप कहीं बाहर गए होंगे, आपको गर्मी लग रही, तो आप यूएसबी फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यूएसबी फ़ैन का लगातार इस्तेमाल करते रहे तो आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर लगती है फ्रेंड। और मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा तरीका कैसे। तीसरा तरीका फ्रेंड ये कि आप इसे मेमोरी कार्ड, यानी कि एसडी कार्ड जो आपकी चिप होती है ना, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे मेमोरी कार्ड में गाने या वीडियो ट्रांसफ़र करना है, तो आप आसानी सीधे मेमोरी कार्ड को लीजिए और कार्ड रीजन में डालकर उसको ओटीजी में लगाकर आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। और चौथा ऑप्शन होता है कि यूएसबी गेम कंट्रोलर लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं, तो आप इसे यूएसबी गेम कंट्रोलर के रूप में यूज कर सकते हैं और कोई भी गेम आसानी से खेल सकते हैं। उसमें फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है फ्रेंड। और मैं आपको दिखा रहा हूँ पांचवा ऑप्शन, यूएसबी लाइट लगा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में लाइट नहीं है, तो आप ओटीजी सपोर्ट फ़ोन से यूएसबी लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके रात में फ़ोटो बनाना हो या वीडियो बनाना हो, तो आप यूएसबी लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। और छठवा नंबर आता है कि यानी कि 6 पॉइंट, यूएसबी लैन केबल लगा सकते हैं। अगर आपके पास वाईफाई रूटर है, जियो फाइव है, तो आप अपने ओटीजी सपोर्ट से वैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का भी इस्तेमाल कर और इंटरनेट का आनंद उठा सकते हैं। और सात में नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं फ्रेंड। इसमें पॉइंट ध्यान दीजिए, 7 पॉइंट, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। यूएसबी ओटीजी से आप अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा, कोई भी मूवी को देख सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। और इसमें जो DSLR कैमरा होते हैं ना फ्रेंड, आप उसको कैमरों को फ़ोन से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आप यूएसबी ओटीजी से अपने DSLR कैमरा को कनेक्ट करके आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें 9 पॉइंट पे ध्यान देना फ्रेंड, कि इसमें साउंड कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल का ऑडियो जैक ख़राब हो गया, जैसे आपका जो ईडियो गाना सुनने वाला होता है जैक, उसमें अगर आप हेडफोन नहीं लगा सकते हैं, जो ऊपर एयरफोन लगाने वाला कनेक्टर होता है उसको ऑडियो जैक बोलते हैं, तो आप यूएसबी ओटीजी का इस्तेमाल करके उसमें यूएसबी साउंड कार्ड लगा सकते हैं और आपको एक अलग ऑप्शन मिल जाएगा हेडफोन। तो फ्रेंड आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और मैं गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से बता सकता हूँ। आप इसमें टाइप कीजिए ओटीजी सपोर्टर हेल्पर। देखिए फ्रेंड, यूएसबी आप टाइप कीजिए, यूएसबी पहले टाइप कीजिए, सॉरी फ्रेंड, यूएसबी ओटीजी कनेक्टर, स्पेस देना भूल गया हूँ फ्रेंड मैं। इसके बाद आप
इतने भी सर्च कर दीजिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूँगा इतने में शायद आ जाएगा। देखो आ गया फ्रेंड, वो USB O2GP आ गया है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड, मैंने डाउनलोड कर लिया है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा फ्रेंड। आप डाउनलोड करने में आप देखेंगे कि इसको पता सौडन यानी कि 500,000 सॉरी फ्रेंड लोगों ने डाउनलोड कर लिया और रेटिंग भी काफ़ी इसकी हाई है। तो आप आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। तो इसको ओपन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि मेरे में लिख के आ रहा है O2G कम्प्लीट। मेरे में इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है कि यानी कि मेरे में O2G सपोर्टिंग है। अगर आपके फ़ोन में O2G सपोर्टिंग नहीं होगी फ्रेंड, तो आप ओके लिखा हुआ नो सपोर्टिंग, आपके में क्रॉस का निशान आएगा। क्रॉस का निशान यानी किस प्रकार का निशान लिख के आएगा, और तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कैसे होता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड ये अंगूठा पर नंबर क्लिक कीजिए, लाइक मार दीजिए। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर फ्रेंड आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्रेंड जो आपको रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड। इसका कोई चार्ज नहीं लगना फ्रेंड, आप बिल्कुल फ्री है, आप कर दीजिए इसमें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में आने वाली टेक्निक जानकारी से वंचित रह जाएंगे, तो इसीलिए आप कर देना चाहिए। आपको हिट पर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फ्रेंड, मैं आपकी हेल्प के लिए सदैव तैयार रहूँगा फ्रेंड। और आप इसे अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप ये जो आपके सामने बटन दिया हुआ है शेयर बटन, इस पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों को भी बताइए क्या होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ओके।